मन दिया मोड़ प्यारिया सिख चरणा नाल जोड़ प्यारिया मन दिया वागा मोड़ प्यारिया चित चरणा नाल जोड़ प्यारिया मन दिया वागा मोड़ प्यारिया चित चरणा नाल जोड़ प्यारिया जोड़ प्यारिया चित श्री गुरु नानक देव दे चरणा नाल जोड़ जोड़ प्यारिया चित श्री गुरु नानक देव दे चरणा नाल जोड़ जोड़ प्यारिया चित श्री गुरु नानक देव दे चरणा नाल जोड़ जोड़ प्यारिया चित श्री गुरु नानक देव दे चरणा नाल जोड़ तरजी अरे एक टेक तो लाहे बेडानी आस नानक नाम तिहाइए कारज आवे रास सो बहुत बड़े भाग ने संगतां दे जिन्हां नूं सतगुरां दे सोहणे दरबार विच हाजरी भरन दा बहुत सोहना सुभाग समा मिलिया घोर कलयुग दे विच ये जिहड़ा समा है कर्मां नाल जीव नूं प्राप्त होंदा है उत्तम कर्मां दी निशानी है क्योंकि युग कलयुग दा है। बाबा जी कई बार बचना जमहूर लाया करते ने कि शाम नू 6 बजे तो लैके रात दे 12 बजे तक कलयुग का बहुत प्रभाव होंदा है क्यों जोगी कलयुग का है कलयुग का बहुत प्रभाव पैंदा जीव ते रात नू वेखो शाम दे 6 बजे तो लैके हुण जिहड़े पापी पुरश होंदे ने पाप कमाउण वाले देखो शराब पीन वाले बड़े खुश होंदे ने जदों सूरज छिपदा है नेरा होंदा है ना बड़े खुश होंदे ने भी चलो बैठिए किते घट शराब पीए लुट्टण वाले चोरियां डाके मारन वाले भैड़ियां बुरियां आदतां वाले सब ये रात का ही टाइम होंदा वेखो कलयुग का प्रवाह है ते पर अपने बहुत बड़े भाग ने कि आपां भी रात दे समय दे विच गुरु नानक पातशाह दे दरबार विच आण के बैठे हाँ दरबार च आण के जुड़े बैठे हाँ वेखो हुणे गुणी ज्ञानी साधु महापुरख सब ने ही इस दरबार की शोभा की है गुरु नानक पातशाह का दरबार है वेखो बहुत बड़ा दरबार है वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत शेर शाह पातशाह नेहचल चौर शत एक ऐसा दरबार है कोई भी शरदा भावना मन करके गुरु दे अगे खड़ के अरदास बेनती करे ते गुरु उस दियां झोलियां भर दिंदा है सब दाता गुरु उसनों दे दिंदा वेखो ये ऐसा दरबार है कैसा दरबार है जे किसी दे कर्मां च भी नहीं ना दात पर गुरु नाल जुड़िया है भावना है गुरु दे अंदर अपने अंदर गुरु प्रति प्रेम है तां वी फिर ओ दात ओ अपने कर्मां च लिखवा लैंदा है इस दर ते वेखो कर्मां विचों सब कुछ लिखिया जांदा इतिहास विच जिकर आउंदा धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह
मीरी पीरी दे मालक दीन दुनिया दे बाली सतगुरु दीवान सजिया है संगतां बैठियां ने कोई आन के सतगुरां दे चरणां च दुध दी बेनती करदा जी तंदरुस्ती शरीर बारे कोई कासे दी बेनती कर दे ते शरीर सतगुरु जी सब नू ही दातां वंड रहे ने कोई कोई दात मंगदा आन के कोई दात मंगदा ते सतगुरां दे चरणां च माता आई उसने भी पल्ला अड्या ते बेनती करी सतगुर सच्चे पातशाह चंबे पिंड तो मेरे निमाणी ते भी कृपा करो दस ग्यारह साल हो गए घर विच कोई औलाद नहीं होई कोई बच्चा होया ही नहीं दस ग्यारह साल ब्याह होए न हो गए कृपा करो तुसी ताडे दर ते आई हाँ दरबार साहब अमृतसर गई सी जो दर्शन करे ना तो मन नूं बड़ी शांति मिली बड़ा आनंद आया तो मन विच फौरना बनया भी ये दरबार कैसा है जिसनूं दर्शन करन दे नाल मन नूं शांति मिलदी टका मिलिया मन नूं तो मन विच फिर फौरना बनिया भी ये दरबार बड़ा है भी इतों जो भी मैं मंगागी वह मिल जाएगा मेरे अंदर भावना शरदा बजी बेनती कर दी सतगुरां दे अगे खड़ के माता सिखा नूं पुछा सतगुरु बचन सिखा ने कहा कि दरबार गुरु रामदास पातशाह दा है पंजवें पातशाह भी इत्थे कृपा कीती है इस टाइम मीरी पीरी दे मालक धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह दीवान सजे ने माता तू उथे जाके बेनती कर ला बेनती कर सतगुरु हुण मैं तुहाडे चरणां च आई हाँ मेरे निमाणी ते कृपा करो सतगुरु छेवें पातशाह ने जदों अमृत भरी दृष्टि पाई ना सुनहरी नेत्र ते सतगुरां ने उदों ही बचन कर दिता कि माता असी वेख्या है तेरे कर्मां च अकाल पुरख ने कोई पुत्र नहीं लिखिया जे लिखिया हुंदा तां असी तेनू वचन कर देंदे विचार है दरबार दी सच्ची सरकार दा दरबार कैसा दरबार है इत्थों की प्राप्त हुंदा और जीव नूं कदों प्राप्त हुंदा इत्थों कदों लैके जांदा इत्थों दाता वेखो सतगुरां ने वचन कर दिते कि अकाल पुरख ने तेरे कर्मां च नहीं लिखिया जे लिखिया हुंदा तां असी तेनू वचन कर दिंदे वेखो गल किस दी है कर्मां दी बिन कर्मां किश पाईए नाहीं माता ने फिर दोबारा फिर बेनती कर दिती नहीं सतगुरु सच्चे पातशाह ये दर बहुत बड़ा है इतों कोई खाली नहीं गया तुसी जरूर कृपा करो सतगुरां ने फिर बचन कर दिता कि माता असी वेख्या तेरे कर्मां च अकाल पुरख ने कोई पुत्र नहीं लिखिया जे लिखिया हुंदा तां असी तेनू बचन कर देंदे माता रोन लगी वेखो रोन लगी माता ते रोंदी रोंदी माता फिर वापस हुई फिर क्यों बहुत बड़ी आस सी मन विच भावना सी ते सतगुरां ने भी हुण ऐसा वचन हो गया सी देखो ते माता रोंदी रोंदी जिनों फिर वापस हुई ना ते पहरे ते खड़े ने कौन भाई गुरदास महापुरख ने भाई गुरदास नाम जपण वाले शब्द अभ्यासी उन्होंने वेख्या बड़े हैरान होए माता नूं मिले कहन लगे माता असी हैरान हाँ घरां चो रोंदे आउंदे मैं बहुत वेखदा हाँ
कोई किस तरह दुखी है, कोई तकलीफ बीमारी है। घरों मैं रोंदे आउंदे वेखदा माता जदों इस दरबार विच सतगुरां दे दर्शन होंदे आ ना, बचन विलास होंदे ने, दृष्टि पैंदी माता, मैं इत्थों खुशियां लैके जांदे वेखे, मैं इत्थों भाव खुश होंदे जांदे देखे। तू एक ऐसी पहली माता ऐसी जड़ी माता तू रो रही है, क्यों रोनी है, की दुख है, की तकलीफ। माता हुण रोंदी रोंदी कहन लगी, सिखा दुख तां बहुत वड्डा है, गुरु ने मैनू जवाब दे दिता, सीधा ही कहा। हुण नाम जपण वाले शब्द अभ्यासी भाई गुरदास कहन लगे, वो माता गुरु किसी नूं जवाब नहीं दिंदा हुंदा, गुरु किसी नूं भी नहीं जवाब दिंदा, गुरु तां सब दातां दिंदा, सब दियां झोलियां भरन वाला है गुरु, दिंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाही खाए। वो तां जुगां जुगां तों आपां नूं सब दे रहा, वो तां दाता समर्थ है, सब नूं ही दे रहा। माता तेरे विच जरूर कोई कमी होवेगी, जां तैनूं बेनती नहीं करनी आई होनी, ते जां फिर गुरु ने तेरे ते कोई परचा पा दिता होवेगा। माता परचा होवेगा, की कीती सी बेनती? माता रोंदी रोंदी कह लगी, सिखा मैं तां बेनती करी सी वी 10-11 साल हो गए घर विच कोई बच्चा नहीं है, औलाद नहीं होई। फिर गुरु ने की वचन करिया? माता कहन लगी भी, सिखा गुरु ने कह दिता कि अकाल पुरख ने तेरे कर्मां च कोई पुत्र नहीं लिखिया, जे लिखिया हुंदा तां असीं तैनूं वचन कर देंदे। भाई गुरदास समझ गए, नाम जपण वाले शब्द अभ्यासी और रब दी रमजन नूं पा जांदे ने, रब दी रमजन नूं समझण वाले हुंदे ने। पता भाई गुरदास वो कहन लगे, माता जदों तैनूं सतगुरां ने बचन करिया सी कि तेरे कर्मां च अकाल पुरख ने कोई पुत्र नहीं लिखिया, माता तू उदों ही बेनती कर देनी सी, सतगुर सच्चे पातशाह अकाल पुरख कोई होर है, उत्थे भी तू ही अकाल पुरख है, मेरे सामने भी तू ही अकाल पुरख है, जे पापण दे मूहरे ऐसा पाप आ गया सी, लिखवाउण च देरी हो गई सी, सतगुर मेरे कर्मां विच इत्थे तुसी हुण लिख दिओ। भाई गुरदास ने इह माता नूं समत दित्ती, समझाया। माता रोंदी सी वेखो, ते रोंदी रोंदी माता चुप कर गई, उदों ही चुप कर गई, ते माता सोचण लगी, मत्थे ते हथ मारिया, कहन लगी, ओ सिखा आह तां गल मैनूं याद ही नहीं आई, आ गल नहीं मैनू औड़ी याद नहीं आई। भाई गुरदास कह लगे, माता तेरी संगत नहीं सी कीती, संगत दा तेनू रंग नहीं चढ़िया। कह लगे, सिखा फिर हुण मैं हुण जावां, मैं फिर हुण जाके दोबारा बेनती कर लवां। भाई गुरदास कह लगे, नहीं माता हुण समा लंघ गया, तू आए करी कल नूं सवेरियों सदेहां आई, सतगुरु गुरु महाराज इधर जाते ने घोड़े ते, कोई गौत रूहा होंदियां अरदासां बेनतियां करदियां ने, धार करन वास्ते जाते ने सतगुरु, ते माता तू फिर कल नूं सवेरियों सदेहा आ जी। देखो जदों माता तौरन लगी ना, भाई गुरदास कहन लगे, हाँ माता जदों कल नूं आवेगी ना, राह दिता, महापुरख राह देने वास्ते आउंदे ने, रस्ते दिंदे ने, जीव नूं समझाउंदे ने, वेखो समझाउंदे ने। जिवें बाबा आनंद सिंह जी ने पूरना पाया दस्या, की दस्या वी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं किस तरह मनना है, जो गुरु कलगीधर पातशाह ने बचन करे सन, आग्या पई अकाल की तवी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देहे। ये बाबा जी ने दसिया
भी ऐसे तरह मनना है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं वेखो, गुरु कलगीधर पातशाह उदू बाद विच आलियां विच बंद कर दिते सन गुरु ग्रंथ साहिब, अलमारियां दे विच बंद कर दिते सन, मिट्टी घट्टा उवें पिया रहिंदा सी, कोई सेवा नहीं सी वेखो। पर बाबा नंद सिंह जी ने आण के फिर ये गुरु कलगीधर पातशाह दे बचन होए, तां बाबा नंद सिंह जी ने आण के फिर गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश किए। वेखो बाबा नंद सिंह जी, किसी ने कोई गद्दी नहीं सी, बाबा जी ने कोई पग नहीं सी किसी ने दिती, बाबा नंद सिंह जी किसी सरकार दे नहीं सी, सिर्फ गुरु कलगीधर पातशाह दे जिहड़े बचन होए वे सन ना, उन्हां बचना ते ही पहरा दिता सी। उन्हां बचन केड़े प्रगट गुरां की देह, भी इसे तरह मनना है, मनना है। ये वचन ते पूरा पहरा दिता वेखो, ते मनिया बाबा जी ने आप भी, मनाया कोई भी आया बाबा जी दे कोले, ते बाबा जी ने उस तरह उसकी भावना शरदा पूरी कीती वेखो। सो इस करके महापुरख आउंदे ने संसार ते जीव नूं राह दिंदे ने। भाई गुरदास हुण वेखो रास्ता दे रहे ने, की कहंदे ने भाई गुरदास जी महापुरख, कहन लगे माता कल नूं जदों तू आवेंगी ना, नाल एक कागद कलम शाही लियाई, ते सतगुरु जदों फिर बचन करनगे ना, उस टाइम ही तू कागद ते कलम शाही अगे कर दी, बेनती करी सतगुरु मेरे कर्मां विच तुसी इत्थे हुण लिख दिओ। देखो समा होया किथे तां माता रो रही सी, माता ते किथे माता खुश हो गई कि संगत मिल गई ना, संगत दे नाल ही जीव नूं रंग चढ़दा, संगत करन दे नाल ही जीव नूं ज्ञान मिलदा। देखो महापुरख भाई गुरदास नाम जपण वाले शब्द अभ्यासी, संगत मिल गई, नाल कहा माता हुण घरे जा ते तू नाम जपदी जा, तू सिमरन करदी जा, माता वाहिगुरु करदी घरे गई। वेखो रास्ता मिल गया, राह मिल गया, अमृत वेला होया, इधर सतगुरु मीरी पीरी दे मालक धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह अमृत वेले दीवान की समाप्ति करके ते बचन करिया भी गुरु जी आ रहे ने। घोड़ा तैयार किया गया, मरजीवड़े सिख ने सूरमे सतगुरां दे नाल, उस टाइम धन बाबा बुढ़ा जी भी नाल ने, नाल सन। ते सतगुरु जी जदों जा रहे सन ना बचन विलास करदे, कई हुण कहिंदे ने कि सैर करन वास्ते गए, नहीं, गुरु गोबत रूहां दा धार करदा है, पुकार हुंदी किसे धरती दी, सतगुरु जा रहे ने बचन विलास करदे। वेखो ते फिर अग्यों माता आई, भावना नाल प्रशादा तैयार कीता, सिर ते टोकरा रखिया, माता ने टोकरा रखिया थले ते लम्मे पै के मत्था टेकिया सतगुरां नूं, सतगुरां नूं मत्था टेकिया, ते अगे होई माता फिर पल्ला अड्डिया ते बेनती करी सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करो, 10-11 साल घरे कोई औलाद नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं है। सतगुरां ने जदों अमृत भरी दृष्टि पाई ते बचन कर लगे, माता तू कल भी आई सी, माता कहन लगी हाँ सतगुरु, सतगुरु वचन कर लेंगे तेनू कल भी वचन किया सी कि तेरे कर्म च अकाल पुरख ने कोई पुत्र नहीं लिखिया, जे लिखिया हुंदा तां असी तेनू वचन कर देंदे, वचन कर देंदे। उसे टाइम फिर माता नू महापुरख भाई गुरदास नाम जपण वालियां दा वचन याद आ गया, कहन लगी सतगुर सच्चे पातशाह अकाल पुरख कोई होर है,
उत्थे भी तू ही अकाल पुरख है, मेरे सामने भी तू ही अकाल पुरख है। पापण दे मूहरे कोई ऐसा पाप आ गया सी, लखवाउण च देरी हो गई सी, सतगुरु अकाल पुरख मेरे कर्मां विच तुसी इत्थे हुण लिख दिओ, हुण लिख दिओ। माता ने जदों बेनतियां करियां ना, ते सतगुरु छेवें पातशाह बड़े खुश होए, देखो खुश होए सतगुरु, बड़े तुठे होए सतगुरु। नाले फिर बचन करते ने बाबा बुढ़ा जी नाल ने, बचन किया कि बाबा जी असी तो माता ते परचा पाया सी। देखो गुरु परचे पाउंदा है, परचे सब ते ही पैंदे ने, जिहड़ा बच्चा स्कूल विच पढ़दा है ना परचा पैंदा है, पर परचा उही पास हो जाता है जिहड़ा मास्टर टीचर दा जो समझाया होवे ते समझदा है, ते वो सवाल आउंदा आंसर कर दिंदा है। उही बच्चा पास हुंदा जिहड़ा क्लास दे विच बैठदा है। जे बाहर तुरिया फिरदा रहे ते मास्टर टीचर इधर समझाउंदे होण ते ना समझे, फिर वो फेल हो जाता है। इस तरह हुण जो फिर कोई गुरसिख साधु महापुरख समत देंदे ने ते जीव नहीं समझदा, डोलदा है, गुरु नालों टुट जाता है, वेखो नरकां दा अधिकारी बन जाता। पर गुरु नूं नहीं छड्डना चाहीदा। जे परचा पिया तां गुरु समर्थ है, बेनती करनी चाहीदी है, सतगुर सच्चे पातशाह तुहाडा ही परचा सी, तुसियों ही मैनू परचे चो कढ़ना है। देखो गुरु परचा पाउंदा सिख ते, सतगुरां ने बचन करिया, नाले खुश ने, मुस्करा रहे ने सतगुरु, ते नाले कागज ते कलम शाही पकड़दे ने छेवें पातशाह। सतगुरु फिर जदों कलम शाही पकड़ी ते बचन करिया भी ये सारी ही शरारत भाई गुरदास दी है, वड्याई दित्ती महापुरखां नूं। वेखो भाई गुरदास नूं सतगुरु ते एका पाउण लगे सतगुरु छेवें पातशाह। जदों एका पाउण लगे ना ते गुरु वेखो कैसा समर्थ है, गुरु बचन कर लगे माता असी तां एका ही पाउणा सी, आ साडा घोड़ा हिल गया, साडे कोलों साता पै गया। वेखो कैसा गुरु अपना, गुरु ने यह नहीं कहा भी मैं सत पुत्र मैं आए, नहीं, गुरु समर्थ दिंदा बख्शदा सब कुछ है गुरु, पर आपां नूं पछाण करन दी लोड़ है अपने च कमियां ने। पर गुरु साडा समर्थ है, गुरु पूरा है। ते माता ने पल्ला वड्डा कर लिया, कहन लगे सतगुर सच्चे पातशाह हुण कृपा कर दिओ, सत दे सत पुत्रां दी उही बख्शिश करिओ, सत दे सत पुत्रां दी बख्शिश करिओ। देखो माता ने अपने कर्मां दे विच सत पुत्रां दा वर लिया, कोई भी नहीं सी। माता बहुत जगह गई, बड़े धागे तवीत कराए माता ने, बथेरे नक रगड़दी रही माता जा, बहुत कुछ करवाया सी माता ने, पर किसी ने भी झोली नहीं सी भरी। वेखो किसी ने वर नहीं सी दिता, कितने वर मिलिया, सच्ची सरकार छेवें पातशाह दे चरणा दे विच जदों वो माता आई। वेखो ते गुरु जी ने भी परचा पा दिता सी, गुरु परचे पाउंदा, पर कौन सहाई होए, भाई गुरदास महापुरख नाम जपण वाले, उन्होंने रास्ता दिता। वेखो ते माता किथे कोई भी नहीं सी कर्मां दे विच, ते किथे इस दरबार विचों माता सत पुत्रां दा वर लैके गई। ये गुरु नानक पातशाह दा दरबार है, सत पुत्रां दा वर लैके गई। वेखो सो इस करके ये कर्मां नाल आपां नूं समां मिलिया है, गुरु दे लड़ लग्गिया, गुरु दे नाल जुड़िया ही घर विच खुशियां आ जांदियां ने, सब कुछ प्राप्त हो जांदा। इस करके गुरु महाराज बचन करते ने कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद ताकत, शेर शाह पातशाह निहचर
चौर शत बहुत बड़ा दरबार है। सो बहुत बड़े भाग ने करमा नाल समा मिलिया है। सो आओ आप सारे ही धारणा दे नाल हाजरी लवाइए। बाबा जी के हुक्म अनुसार सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी सरोपाव की बख्शिश करेंगे। अरदासिया सिंह सुखदेव सिंह जी उन्होंने भी सरोपाव की बख्शिश होगी। सरदार कुलबीर सिंह जी नाल आए उन्होंने भी सरोपाव की बख्शिश। बोले सो निहाल आओ वड्डे भागा वाले हाँ जिन्होंने दरबार में बैठ के हाजरियां भरन का समा मिलिया है। सारिया संगत करिए दर्शन प्यार सत्कार दिन। बोले सो निहाल आओ गुरम प्यारो सारिया संगत करिए दर्शन जी। बड़िया भागा निशानिया गुरमुख प्यारो जिन्हों इतने दरबार च हाजरियां भरन का समा प्राप्त होया है। आओ बाबा जी के दरगाही प्रवचना का समा है। बाबा जी मिठी रसना दे विचों धारना सरवण करिए नाल ही दरगाही प्रवचन सरवण करके सुहासा नूं सफले करिए जी। सतनाम श्री हरि। सुकर्मा नाल समा मिलिया सुभागा बाबा जी दीवान दे विच बैठे ने सब ने ही दरगाही बचन सरवण करके झोली पा के लाह प्राप्त करना है। सो सारे ही आपां बेनती करिए कोई भी रसना वांझी ना रह जाए धारना दे नाल हाजरी लवाइए। सारे ही मैनू बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो मैनू बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो मैनू बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो मैनू विसर नहीं दातार अपना नाम दे हो 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 मैनू बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो मैनू बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो मैनू बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो